इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना हुई उसके विषय में क्या जानकारी आपको है? जानकारी तकनी में पैदा नहीं था, मेरे पिताजी को मालूम। बहुत दिन नहीं हुआ है हमको। क्या बोला गया, क्या आपके पिताजी क्या बताए? अभी बोला गया जिसको सेवा हुआ कीजिए और मंदिर बनाइए, यही सब सुने। और अभी बना है, अभी चल रहा है पूजा पाठ, मेला वगैरह लगता है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं जो बहुत दिन से है, इस 4-5 पीढ़ी बीत गया, हमको 300-400 वर्ष हो गया। क्या खासियत है इस मंदिर का? है इस मंदिर का खासियत है, खूबी क्या है इस मंदिर में? ऐसी क्या बात है जो आप लोग मैंने इसको आश्चर्यजनक मानते हैं? हम ही मानते हैं शिव जी के, एक साथ इतने एक शिवलिंग के दर्शन के बाद लोगों को इतना खुशी होती है, कई शिवलिंग एक साथ आप लोग यहाँ दर्शन करते हैं, कुछ कहेंगे इसके विषय में? तो बराबर ही सब नहीं रहता है। शिव जी है ना, एक ठो पहले था और हुए था, हुए से सब जन्म लिया अपने अपने, और हुआ से एक धार नहीं हुआ, गिनने नहीं सकेगा। बैसाख में ये सब पूरे निकल जाते हैं और फिर शिवरात फागुन में कोई चुरा के ले जाता है, लेकिन फिर यहीं कहीं आ जाता है। यहाँ से निकल कर ले भी जाते हैं लोग? नहीं, यहीं से ले जाने का प्रयास भी यदि कोई करेगा ना तो यहाँ से प्रकट हो जाते हैं, कहीं जाते नहीं, वहाँ दूसरा जगह नहीं रहता। आपका नाम? नारायण प्रसाद यादव। इस मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई, कोई जानकारी है आपको? ये मंदिर का उत्पत्ति पूर्वज लोग बताते हैं कि यहाँ गोबर का डिंग रहता था, और बैसाख महीना में गोबर किसान लोग जब फेंकता है ना, तो गोबर फेंकने के क्रम में जब गोबर हट गया तो शिवलिंग है सो उन कुदाल से कटा, और उससे दूध का है सो में धारा बहने लगा। तो लोग है सो भयभीत होकर के पूरा हल्ला किया, क्या क्या चीज़ है। तो बाद में सभी लोग उसको साफ सुफ किए, पूजा पाठ पंडित ला करके करना शुरू किए, और पता चला ये शिवलिंग का उत्पत्ति हुआ है। ये बढ़ता भी है, हाँ बढ़ता है, बढ़ता है चैनल समझ अपने आप पंडित जी। आपका नाम? सागर उपाध्याय। ये कौन सा मंदिर है? चापी शिव मंदिर है। इस मंदिर की खासियत क्या है? इस मंदिर में खासियत यही है कि शिवलिंग जो है उनका गिनती मतलब करना दिक्कत होता है, कोई गिनती आज तक नहीं कर पाया ना, मैंने गिनती कर नहीं पाया है, या कि बार बार गिनती करने से वो संख्या घटता बढ़ता है? बार बार गिनती करने से घटता बढ़ता है।
ये मंदिर की स्थापना कब हुई थी? बहुत पहले की बात है, ये सर्वे के पहले है। इस मंदिर के प्रांगण में कहीं भव्य कार्यक्रम होता है या नहीं? हाँ, सावन में 5 दिन का जय होता है और शिवरात्रि वगैरह होता है और मेला लगता है बैसाख में जो कि 28-29 को। ग्रामीणों की क्या आस्था है यहाँ? ग्रामीण यहाँ के ग्रामीणों की इस मंदिर के प्रति आस्था कैसी है? बहुत जोरदार से, मतलब सब आदमी मिलजुल के काम करता है।